हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं GDS खबर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि गूगल पे में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का अकाउंट कैसे लिंक करें, यानी कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का अकाउंट गूगल पे के साथ कैसे जोड़े, उससे जुड़ी पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए इसी प्रकार की जो तमाम जो जरूरी जानकारी होती है वो इसी चैनल पर प्रोवाइड करते रहते हैं। दोस्तों, तो ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गूगल पे ऐप है, उसे ओपन करते हैं। तो गूगल पे ऐप यहाँ ओपन हो रहा है, यहाँ हम इसको वेरीफाई कर देते हैं। तो दोस्तों, आपको कुछ इस प्रकार का जो होम स्क्रीन देखने को मिलेगा गूगल पे का। तो हमें सबसे पहले हमारा जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का अकाउंट है वो यहाँ लिंक करना है। तो यहाँ सबसे पहले हमारा जो यहाँ आइकॉन आ रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ आप देखते हैं हमारा प्राइमरी अकाउंट जो यहाँ लिंक है, डिफॉल्ट बैंक अकाउंट, वो यहाँ शो हो रहा है। इसके सामने जो जो निशान आ रहा है, यहाँ हम क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं हमारे जितने भी बैंक अकाउंट है, सारे बैंक अकाउंट यहाँ शो हो रहे हैं। तो यहाँ नीचे आप देख सकते हैं एड बैंक अकाउंट, तो इस पर हमें क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, हमें कौन सा बैंक अकाउंट लिंक करना है, तो हमें अभी यहाँ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का अकाउंट लिंक करना है। तो हम थोड़ा नीचे चलेंगे। दोस्तों, यहाँ हम आपको बता दें कि हम इस पर जो फोन पे में कैसे लिंक करें, उस पर एक ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। दोस्तों, वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे। तो उस वीडियो को देखकर आप जो फोन पे के साथ आपका जो इंडिया पोस्ट पेमेंट का अकाउंट लिंक भी कर सकते हैं, साथ ही UPI पिन भी सेट कर सकते हैं। दोस्तों, अभी यहाँ आप देख सकते हैं हमारा इंडिया पोस्ट पेमेंट का यहाँ आ चुका है। तो यहाँ इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, हमारे जो नंबर पर एक OTP जाएगा, तो यहाँ कंटिन्यू पर हम क्लिक करेंगे। तो थोड़ा प्रोसेसिंग हो रहा है, आप देख सकते हैं SMS सेंड हो चुका है, वेरीफाई हो चुका है। तो दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं हमारा दो अकाउंट यहाँ आ रहा है, एक हमारे जो सेविंग अकाउंट भी है और हमारा करंट अकाउंट भी है। तो हम अभी यहाँ कोई सा भी अकाउंट यहाँ लिंक कर देते हैं। तो यहाँ ऊपर ही ऊपर जो सेविंग अकाउंट आ रहा है, इस पर हम क्लिक करके यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं। अगर दोस्तों आपको करंट अकाउंट लिंक करना है तो यहाँ पर नीचे क्लिक करना होगा। अभी हम सेविंग अकाउंट यहाँ लिंक कर देते हैं। तो इसके बाद दोस्तों, नीचे की जो कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे। तो कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ बैंक ऐड हो रहा है, और आप यहाँ देख सकते हैं बैंक एडेड, तो यहाँ हमारा बैंक ऐड हो चुका है। और आप यहाँ नीचे देख सकते हैं यहाँ बैंक शो हो रहा है। तो अभी हम इसका भी बैलेंस चेक करके हम आपको बता दें। तो दोस्तों, पिन तो हम फोन पे में ऑलरेडी जनरेट कर चुके हैं। तो अभी यहाँ सब सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ अभी आपको बैलेंस चेक करके बताने वाले हैं। तो UPI वाले वही डाल देते हैं UPI। उसके बाद नीचे ये निशान आ रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे। तो दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं हमारे अभी जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के सेविंग अकाउंट में जो बैलेंस है वो आप यहाँ स्क्रीन पर देख। तो दोस्तों, बताए गए तरीके के अनुसार आप भी आपका जो गूगल पे में आपका इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का अकाउंट लिंक कर सकते हैं, साथ ही आप UPI के माध्यम से किसी को पैसा भी भेज सकते हैं। दोस्तों, UPI से कैसे पैसा भेजते हैं, उस पर भी हम अलग से वीडियो बनाने वाले हैं। दोस्तों, आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों इसी प्रकार के तमाम वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहे। धन्यवाद दोस्तों।